हिमाचल कोरोना वॉरियर्स संस्था का जज्बा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसे जनता का अथाह सहयोग कोरोना महामारी के आरंभ से ही मिलता आ रहा है और आज भी ये क्रम जारी है। संस्था ने मशोबरा में स्थित प्रिस्टीन पीक्स में मास्क और सैनिटाइजर्स दान किए। यहाँ पर सरकार ने क्वारंटीन सेंटर बनाया हुआ है। कोरोना महामारी के इस मुश्किल दौर में कई संस्थाएं जरूरतमंदों की सहायता में जुटी हुई है। शिमला में कोरोना वॉरियर संस्था द्वारा भी लगातार समाज सेवा का कार्य किया जा रहा है। हिमाचल कोरोना वॉरियर्स के अध्यक्ष सचिन डोगर ने अपने समाज के प्रति समर्पण भाव को जारी रखते हुए मशोबरा में स्थित प्रिंसटीन पीक्स में मास्क और सैनिटाइजर प्रदान किए। यहाँ पर सरकार ने क्वारंटीन केंद्र बनाया है, जिसमें 100 कमरों की व्यवस्था की गई है। सचिन डोगर ने कहा कि लॉकडाउन शुरू होते ही वे समाज सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने प्रदेश भर में मास्क और सैनिटाइजर जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाए हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी वे समय समय पर मास्क और सैनिटाइजर इसी तरह जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाते रहेंगे। आज नालदेहरा में होटल वेस्टर्न पीक्स में, जो कि गवर्नमेंट ने क्वारंटीन सेंटर बना रखा है, वहाँ पर हमने आज मास्क और सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। यहाँ पर 100 कमरे का क्वारंटीन सेंटर गवर्नमेंट ने बनाया है। जैसे कि हमारी प्रतिबद्धता है समाज की प्रति, हम जितने भी नीडी जो लोग हैं उनको सैनिटाइजर मास्क उपलब्ध कराने की प्रदेश भर में हम कोशिश करते रहे। उसी कड़ी में आज यहाँ पर भी हमने सैनिटाइजर मास्क सप्लाई किए हैं और आप लोग के सहयोग से ये सिलसिला जारी रहेगा। जितना भी हमसे बन पा रहा है, सारे जो हमारा कोरोना वॉरियर ग्रुप्स है, तो सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। सभी दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमें फाइनेंशियली मॉरली सभी सपोर्ट कर रहे हैं, और जो हमारी टीम है जो दिन रात लगी हुई है इस कार्य में, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।